High Voltage gets eliminated. Top 5 teams still alive in this match. ASL, Vibe, A1 Esport, Team i8 and Team Scarlet Gaming. कौन जीतेगा इस मैच में? गाइस आप लोग भी जरा प्रेडिक्शन अपनी लाइव चैट में हमारे साथ रख सकते हो। देखिए प्रेडिक्शंस की बात करी जाए तो हर एक टीम वही चाहेगी, हर एक फैन वही चाहेगा कि उनकी फेवरेट टीम जीते। फेवरेट टीम्स की तरफ चलेंगे, टॉप फाइव पे देखेंगे। ASL यहाँ पे रहने वाली, वाइब रहेगी, A1 रहेगी, i8 रहने वाली है, SG। दोनों इन्विटेशनल टीम्स जो है, i8 की बात हो गई, SG की बात हो गई, दोनों के दोनों अलाइव हैं। साथ में A1 Esports हम उनको कैसे भूल सकते हैं, वो यहाँ पे रहने वाली है। तो वैसे फैंस के अंदर भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इन द चैट सेक्शन। बट i8 यहाँ पे एग्रेशन की तरफ जाते हुए नजर आ जाएगी। बैक एंड साइड से थोड़े से शॉट करेक्ट हो रहे थे बट थोड़ा कवर में जाते हुए नजर आई, और अब वापस से थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी गलती हुई एट दिस टाइम तो कहीं ये जो है अपर साइड पे है, जो अपर पॉइंट्स यहाँ पे ले ली गई है i8 ने, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो सकते हैं क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव है, तीन फिनिशर्स भी है, टॉप फाइव के अंदर आप लोग हैं। एंड तो एक स्लोली स्टडी मूव यहाँ पे करते हुए नजर आ जाएंगे। इसी के साथ इसी को कर जाएगा एलिमिनेट एंड फॉर द लास्ट 4 टीम्स की अगर बात की जाए, आईट के आईक्यू यहाँ पे देखने को मिले हैं उनके हाथ में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आईट के पास प्लेस एडवांटेज भी है अभी के लिए, देखते हैं कितने किल्स और जुड़ पाएंगे क्योंकि 6 के लिए टीम स्टिल निकाल चुकी है और किल्स जुड़ने की चांसेस है क्योंकि सामने टीम ASL को सर्कल कन्वेंटरी निकाला है, शेरी को स्पॉट कैस्ट पे डाला था बट वो कनेक्शन बन नहीं पाया। बट UZM से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि आईक्यू वो प्लेयर बहुत ही ज्यादा करीब है। एंड SKSK टैप टैप डॉटी व्हीकल से ही प्लेयर को नीचे गिरा दिया है। स्लीपी चेरी को रिवाइवल दे रहे हैं बट ASL के लिए बचने बच गए क्योंकि गैंगस्टर वहां पे मौजूद है। टैप टैप शॉट बार बार, घोस्ट बार बार कनेक्शन बनाने का ट्राई यहां पे कर रहा है। अभी के लिए अगर बात करें आईएच के पलक ने ग्रेनेड को करा है, ग्रेनेड डाला गया है एंड डेफिनेटली लग रहा है कि ये वाला ग्रेन स्लीपी को कनेक्ट होगा और हो भी गया। टीम ASL का मात्र एक अकेला खिलाड़ी गैंगस्टर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड आईएच के ऊपर में बरस चुकी है पूरे तरीके से, बरस चुकी है भाई, बारिश हो चुकी है एमोस की, बुलेट्स की। एंड लेट्स सी A1 Esports, i8 एंड Vibe द लास्ट 3 टीम्स रिमेनिंग फॉर नाउ। एंड बात करी जाए तो रेशियोस की, तो अगर हम बात करें कहने के 4M के वाइब्स के प्लेयर्स की, थोड़ा सा पार्टेड, थोड़ा सा लो हैंडल्ड यहां पे सर्विस देखने को मिल रहे हैं। 3v3 का सिनेरियो, मैन एडवांटेज दोनों के पास बराबर का फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे देखने को जरूर से मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात निकल के आ जाती है कि आप मैन एडवांटेज रहते हैं, किसी भी प्लेयर या किसी भी टीम के पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है एक्सेप्ट दिस जोन, कि जोन तो आपके फेवर में आपके प्रोडक्शन के ऊपर पूरी तरह से डेवलप आउट करता है। जोन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे 60% चांसेस हो गए हैं अब i8 के। एंड लेट्स सी i8 क्या ये कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी फैंस को भी उम्मीद रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी i8 एक ब्लो निकाल चुकी, कंफर्मेशन डाल चुकी। नाउ वाइब्स के लिए एक 2v2 सिचुएशन है, उन दोनों से प्लेयर्स में से कोई भी अगर नॉकआउट हुआ तो सारे एक ही प्लेयर के ऊपर आ जाएगा। एंड सिचुएशन विल बी 1v3 जो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट Y8 Esports किस तरह कन्वर्शन करती है, किस तरह गेम सेंस का यूज करती है क्योंकि एंड फाइट है। एंड अगर ये मैच कन्वर्ट करके ले गए अपने पास तो वेल काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है क्योंकि 4 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं फर्स्ट आने के। एंड ये लीजिए वाइल्ड बैक टू बैक दूसरी प्लेयर को स्पॉट करेंगे एंड ये गॉट देयर फर्स्ट विन ऑफ द चिकन डिनर इन द ग्रैंड फाइनल्स J2 मैच नंबर 1।